तो हेलो भाई लोग, आई नो तुम सभी लोग अच्छे हो, तो आज नहीं पूछूंगा कैसे हो तुम लोग। टेक इट एज अ जोक। तो मैं कुछ दिन पहले खुफिया का ट्रेलर पे रिएक्ट किया था जो नेटफ्लिक्स में आने वाला है, जो एक थ्रिलर क्राइम जॉनरा पे बेस्ड है। तो थ्रिलर मूवी हो और उसमें दादा का वॉइस ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई लोग, खुफिया से हम लोगों का द वॉइस ऑफ गॉड अरिजीत दा का वॉइस में एक गाना निकला है जिसका नाम है दिल दुश्मन। इधर सिर्फ दादा नहीं, साथ में विशाल सर का म्यूजिक एंड गुलजार सर का लिरिक्स भी सुनने को मिलेगा। और यार, गुलजार सर का कितना एज हो चुका है, शायद 80 के ऊपर है, बट स्टिल देखो अभी भी उनका गोल्डन हम लोगों का दिल जीत रहा है। तो चलो, आई एम सुपर एक्साइटेड। बिना देरी किए सीधा चलते हैं वीडियो पे और सुनते गुलजार सर का लिरिक्स द वॉइस ऑफ गॉड का वॉइस में। ओहो, किम, समथिंग बिट्वीन अस, वी हैव अ मोल इन द एजेंसी, टॉप सीक्रेट। भाई, हर धड़कन हर सांस पे पहरा रखता है, सीने में जासूस है, पीछा करता है। आहा, क्या बात। हर धड़कन हर सांस पे पहरा रखता है, सीने में जासूस है, पीछा करता है। क्या लिरिक्स हैं। आई ओ यू दिस अपॉर्चुनिटी टू एवेंज ऑक्टोपस। दुश्मन बाय। आहा, गिटार। दोनों ही गॉड है, विशाल सर अरिजीत दा। ओहो, ये फिल्म भी अच्छा होगा। आहा, थ्रिलर वाइब तो है। मर्डर कर देगा क्या? नहीं, तब्बू यार इतना छोटा। भाई क्या लिरिक्स है गुलजार सर का, मतलब 80 के उम्र में भी उनका दिमाग देखो बस, बोले तो यार आउटस्टैंडिंग। एंड स्पेशली जब वो लाइन आता है, हर धड़कन हर सांस पे पहरा रखता है, सीने में जासूस पीछा करता है। ओहो, क्या लाइन है, और वो भी थ्रिलर स्टाइल में, अरिजीत दा का वॉइस के साथ विशाल सर का थ्रिल म्यूजिक। मतलब मूवी ना देखो तो भी इन दोनों तुम्हारे अंदर एक थ्रिल वाइब लेके आएगा उनका वॉइस एंड उनका म्यूजिक से। बट यार, आई डोंट नो, नेटफ्लिक्स का हर एक मूवीज का गाना इतना शॉर्ट क्यों होता है, और कुछ कुछ फिल्में भी इन लोग गाना नहीं डालते, जैसा लास्ट जाने जामे भी डोरिया करके जो अरिजीत सिंह का गाना था वो फिल्म में नहीं है। यार जब बना ही रहे हो तो थोड़ा सुकून दे दो हम लोगों को भी। और यार ये गाना तो शुरू होते ही खत्म हो गया। यार बाकी विशाल सर का म्यूजिक का बात करूं तो यू आर जीनियस मैन। और यार सही में उनका म्यूजिक को हल्के में लेना ना पाप है पाप। जो बंदा 8 नेशनल अवार्ड लेके बैठा है उनका म्यूजिक को लेके, और मैं क्या ही डेफिनेशन दूं। बाकी अरिजीत दा का डेफिनेशन तो मैं रोज देता हूं, बट आज तुम लोगों से मैं कमेंट सेक्शन में सुनना चाहूंगा। ओवरऑल गाना तो यार मेरे को सुपर डुपर लगा, बट यार एक ही रिक्वेस्ट मेकर से है कि थोड़ा एक्सटेंड करके निकालो यार। अगर वीडियो भी नहीं दिखाना तो लिरिकल वीडियो डाल दो, वैसे भी अभी लिरिकल वीडियो का जमाना है। आई नो ये सब छोटा मोटा फिल्म का बजट कम होता है, बट स्टिल यार थोड़ा और लगा लो तो क्या फर्क पड़ेगा। जो भी हो, तुम लोगों को ये गाना कैसा लगा, और साथ में अरिजीत दा का डेफिनेशन देना कमेंट सेक्शन में मत भूलना, बस एक लाइन में डेफिनेशन देना। बाकी मिलते हैं तुम लोगों से अगला वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो। मैं भी भाव नहीं खाता, तुम भी भाव मत खाओ जाने मन।